कि आपके बच्चे दसवां पास कर लिए, बीए कर लिया, एमए कर लिया और उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं और आपको उसका चिंता नहीं है। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लालू जी का लड़का दसवां नहीं पास है लेकिन उसको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि आपके बच्चे दसवां पास कर लिए, बीए कर लिया, एमए कर लिया और उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं और आपको उसका चिंता नहीं है। आपको उसका चिंता ही नहीं है, आप तो जात का झंडा उठाए हो, आपको तो धर्म का झंडा उठाना है। कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिएगा, कभी पुलवामा, कभी चाइना के नाम पर वोट दीजिएगा तो सुधरेगा कैसे? नहीं सुधरेगा। इसीलिए घर घर जाकर हाथ जोड़ रहे हैं सबको, एक बार हमारी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो कोई भी बिहार को सुधार नहीं पाएगा। सब लोग सोच कर बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? सबको बताना है, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आपने कहा कि सबके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? जो दिया है तो बताइए, किसी ने नहीं दिया। यही आपके दुर्दशा का कारण है। अभी आपने बताया, हमने नहीं, आपने बताया कि बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। आपको मालूम है कि आपके गांव में फैक्ट्री खुल जाए तो आपके घर के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आप वोट देते हैं जात के नाम पर, आप वोट देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, आप वोट देते हैं राम मंदिर के लिए, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज के लिए, आप वोट देते हैं सिलेंडर के लिए, आप वोट देते हैं 500 रुपया के लिए, आप वोट देते हैं मुर्गा भात खाने के लिए, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? नहीं सुधर सकता।